बजे बप करबा मगर बुझे छोड़ के बुझे छोड़ के। वाह साहब वाह, मजा बहुत खूब। मैं वायरली इम्प्रेस्ड। अच्छा बस दे दी बस शरारत पर गालियाँ। मुझे आमिर खान और करिश्मा कपूर का जोड़ी बहुत पसंद है। मेरी ख्वाहिश है दोनों का की शादी हो जाए। मनन साहब, आप का क्या ख्याल है कि जो जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें स्पेशली बढ़ रही हैं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को डीजल के ऊपर स्पेशली? देखो बरखुरदार, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। अपनी हद रहो, हद से ज्यादा अगर बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा, डोंट ट्राई टू बी ओवर क्लेवर, सर मैं सिर्फ डीजल यू की। जस्ट गेट द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग टू। ओके सर, आई एम वेरी सॉरी सॉरी हर चीज का एक लिमिट होता है। मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, सर, मैं आपसे माजत चाहता हूँ, प्लीज सॉरी। दोबारा अगर डीजल पर कोई सवाल नहीं, मैं किया तो डीजल पे कोई सवाल नहीं। मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मिलियन मार्च के अंदर से हमें टाइम दिया, और आप मिलियन मार्च में मसरूफ थे लेकिन आपने हमें अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। चीन आदीन अपोजिशन की शिकायत भी काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी कि हम उनको अपने दरमियान नहीं बुलाते। मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे थे फोर्स एक्सक्लूसिव का लाइव शो। ओवर टू यू। कहने को तो ये, यहाँ पर जो बैठता था वो एक मामूली सा एक शख्स था, मामूली सा, और था भी, लेकिन वो बहुत बड़ा और एक एक महान आदमी भी था। अकेले 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 भरे बाजार में चार काजू खाने और किसी को पूछना भी नहीं, लस्सी के गिलास छोड़ के बाल्टी में से पानी निकाल के पीना कोई कोई आम इंसान नहीं कर सकता, बड़े लोगों की काम है। मुझे कहना, खालिद अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो ये रख, पर्स रख, लेकिन पर्स में कुछ भी नहीं होता था। खैर, मुझे तो उससे उससे उसी दिन नफरत हो गई थी जब उसने अपना नाम खालिद भट्ट रखा था। बहरहाल, इट्स अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए फोर न्यूज़।